जो लास्ट हम कर रहे थे, ठीक है, तो हम कर रहे थे कि टू डू ऐप विथ सर्वर एंड डेटाबेस। अच्छा, सर्वर हमने एक साइक्लिक देख लिया था, उसके अलावा एक रेलवे भी है, उसकी भी मैंने ना यूट्यूब पे एक वीडियो बना के अपलोड कर दी है कि हाउ टू डिप्लॉय एक्सप्रेस ऐप ऑन रेलवे, तो वो अगर आप देखना चाहें तो वो देख लीजिएगा, बहुत ईजी है रेलवे पर डिप्लॉय करना भी, और साइक्लिक तो हो ही रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम था ना कि एक ईमेल पे तीन ऐप बनती है साइक्लिक में, वो रेलवे में भी है, क्योंकि वो गिटहब से ऑथेंटिकेट करवाता है, पता नहीं क्या चक्कर है उसका। तो अभी जैसे हरिको भी होता था ना, हम नई ईमेल बना के नई ऐप्स बना लेते थे, तो वो वाला शायद उस पर भी पॉसिबल नहीं है रेलवे में। तो एक और मुझे किसी ने बताया था रेलवे के अलावा भी, रेलवे क्लाउड के अलावा, वो मैं ट्राई करूँगा, तो देखते हैं उसमें फिर कुछ। फिलहाल आपके पास तीन ऐप साइक्लिक पे और तीन या चार पता नहीं रेलवे पे आपके पास फ्री ऐप्स अवेलेबल हो गई है ना। अच्छा, इस कोड पे हमने क्या कुछ कर लिया था, ज़रा ऊपर से नीचे तक अच्छे से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक index.html की फ़ाइल थी। इस index.html की जो फाइल को ना मैं ओपन कर लेता हूँ कॉपी पाथ, और ये मैं ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह की दिखने वाली है हमारे पास स्क्रीन मौजूद है, जिसमें हम क्या कर रहे थे, कुछ एरर भी आया हुआ इसमें। अच्छा, वो असल में सर्वर चल नहीं रहा, तो सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो वो एरर आ रहा है। तो इस तरह की दिखने वाली कुछ स्क्रीन मेरे पास मौजूद थी, यहाँ पर मैं लिख के कुछ भी और ऐड का बटन प्रेस करता था तो नीचे वो मेरे पास लिखा हुआ आ जाता था, ठीक है। इसके हम कोड को ज़रा देख लेते हैं। इसके अंदर एक हेडिंग है और एक फॉर्म है, दैट्स इट। इसमें यूआई में और कुछ भी नहीं है। एक रिजल्ट के नाम से H3 बना हुआ है, जो कि अभी स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब टू डूज डेटाबेस से आके जब स्क्रीन पर रेंडर होंगे तो वो इसके अंदर रेंडर होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक है पोस्ट टू डू का फंक्शन, जो जाहिर है फंक्शन फॉर्म के सबमिट होने पर ये वाला फंक्शन रन होगा। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करके उस टेक्स्ट बॉक्स से वो यूज़र का जो इनपुट है वो उठा लेता है, और उसको क्या करता है, फिर उसको पोस्ट कर देता है एक सर्वर के ऊपर, ठीक है। एक्सियोस की हमने लाइब्रेरी यूज़ की थी पोस्ट करने के लिए, उसको पोस्ट कर देता है एक सर्वर के ऊपर जो कि लोकल रन हो रहा है, ठीक है, लोकल होस्ट 3000 पे उसको पोस्ट कर देता है। अच्छा, और फिर क्या करता है, इस पोस्ट करने से क्या होता है, वो सर्वर पे जाता है, सर्वर से फिर वो डेटाबेस में ऐड हो जाता है, और यहाँ पे जब रिस्पॉन्स आता है वापस, तो वो स्क्रीन पे क्या दिखा देता है, जो भी सर्वर से रिस्पॉन्स आया है वो स्क्रीन पे डायरेक्ट दिखा देता है रिजल्ट के अंदर। रिस्पॉन्स में हमने ये लिखा था कि ये और टू डू इज सेव्ड, ऐसे करके लिखा था, तो ये हमारा पोस्ट का फंक्शन हो गया। उसके अलावा हमारे पास गेट का फंक्शन है, गेट ऑल टू डूज। गेट ऑल टू डूज क्या करता है, गेट की रिक्वेस्ट भेजता है एक लोकल सर्वर पर जो लोकल आपकी मशीन में रन हो रहा है, और वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको क्या करता है, एक्चुअली वहाँ से एक एरे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उस रिस्पॉन्स पे डॉट डेटा, उसके अंदर जो कंटेंट है, और डॉट डेटा पे मैप चलाता है, ठीक है। और क्योंकि वो एरे है तो उस पर मैप चल जाता है, और मैप चलता है तो उस एरे के अंदर मुझे क्या मिलता है, हर इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है टू डू के नाम से, जो कि मेरे डेटाबेस में सेव भी वैसे ही, तो ईच टू डू मुझे हर दफ़ा मिलता है, और उसको मैं हर टू डू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाता चला जाता है, ठीक है। अच्छा, इतनी जो हमने बात पढ़ ली थी लास्ट क्लास में, इसमें किसी का कोई सवाल, जो इतना पढ़ा दिया मैंने अभी, डिलीट वगैरह तो बताया नहीं है, वो अभी बताऊंगा मैं, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ अभी कर लो। एडिट भी होगा अभी तो करूँगा ना मैं। अच्छा, फिर ये गेट ऑल टू डू का फंक्शन मैंने कैसे चलाया, मैंने एक दफ़ा तो इसको वैसे ही कॉल करवा दिया, मिसाल के तौर पर सर्वर भी मैं रन कर देता हूँ ना, पता चल जाए दिख कैसा रहा है। ओके, मैंने कहा cd2.js cd5, ठीक है, ये मैं सर्वर के फोल्डर में आ गया। मैंने कहा npm run dev, ठीक है, npm run dev लिखने से ये मेरा सर्वर रन हो गया NodeMon के ज़रिए। NodeMon एक टूल हमने डिस्कस किया था जो बार बार सर्वर को रीस्टार्ट खुद से करता है, हमें नहीं करना पड़ता। तो ये मैंने सर्वर को रन कर दिया। सर्वर को रन करने के बाद ये मेरे पास क्या हुआ, टू डू सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अब इस ऐप को ज़रा मैं शुरू से चलाता हूँ और इसके अंदर कुछ मसले हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। इस रिफ्रेश किया मैंने, रिफ्रेश करने के थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन पे आगे, आपका टू डू जो है। अच्छा, वो कैसे डिस्प्ले हो जाता है खुद से, वो इसलिए डिस्प्ले हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो गेट ऑल टू डू का फंक्शन है मेरे पास, ये फंक्शन मैंने कॉल कैसे करवाया है, सेट इंटरवल लगा के मैंने इसको कॉल करवा दिया,
ठीक है, सेट इंटरवल लगा के कॉल करने से क्या होता है कि जो भी ड्यूरेशन मैंने बताई है, सेट इंटरवल को चाहिए होता है एक फंक्शन, और उस फंक्शन के पहले पैरामीटर में वो फंक्शन, दूसरे पैरामीटर में एक ड्यूरेशन, वो उस फंक्शन को कॉल करता रहता है वो उतनी ड्यूरेशन के बाद बार बार। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सेट इंटरवल क्योंकि 1000 मैंने लगाया हुआ है, मैं इसको अगर 5000 कर दूँ तो पहली दफ़ा जब वो कॉल करेगा ना, उस पहली दफ़ा उस फंक्शन को चलाएगा तो वो 5 सेकंड बाद चलाता है, जब वो 5 सेकंड बाद चलाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको एक दफ़ा ऐसे अलग से भी कॉल करना होगा ताकि पेज लोड होते ही एक दफ़ा चल जाए वो खुद, उसके बाद 5-5 सेकंड के बाद वो चलता रहे। सही है, स्क्रीन जूम कर देता हूँ मैं। ये अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये गेट ऑल टू डू वाला जो फंक्शन था उसको एक दफ़ा वैसे ही कॉल कर दिया और उसके बाद सेट इंटरवल पे 5 सेकंड लगा दिया। अच्छा, ये सेट इंटरवल पे 5 सेकंड लगाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, रियल टाइम इसको कहते हैं, रियल टाइम के बगैर रिफ्रेश किए आपको डेटा सामने दिखता है ना जब, तो उसको रियल टाइम कहते हैं। तो ये रियल टाइम जो एप्लीकेशंस होती हैं वो एक सॉकेट नाम की एक लाइब्रेरी होती है, उससे बनती है वो, ठीक है। सॉकेट एक प्रोटोकॉल लेवल के उसके ज़रिए बनती है, वो हमने डिस्कस नहीं किया इस क्लास में और आई थिंक हमें इस कोर्स में उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने ये सेट इंटरवल लगवाया है तो मैं साथ में ये बताता चलूँ कि ये इस तरह करके रियल टाइम ऐप बनाना रिकमेंडेड नहीं है, उसके लिए socket.io का एक टूल है वो इस्तेमाल होता है, कर रहा वो भी यही काम होता है लेकिन वो थोड़ा एफिशिएंट तरीके से करता है, थोड़ा बेहतर तरीके से करता है, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे आके जब इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें वो फ़ौरन मुझे डिस्प्ले करवा देता है, पेज रिफ्रेश होते ही फ़ौरन डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा, अब दूसरा काम ये था मेरे पास कि एक तो वो हर 5 सेकंड पे अपने आप को रिफ्रेश कर रहा है, उसके अलावा मेरे पास बटन भी है रिफ्रेश का, मैं इसको दबा के ना जल्दी से रिफ्रेश भी कर सकता हूँ। अगर मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है फ़ौरन, अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम है इसके अंदर कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो क्या होता है, और सेव करता हूँ तो वो जो सर्वर का मैसेज है वो इसी डिफ में आ जाता है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए एक अलग डिफ। मैंने कहा भाई ये क्या है, मे बी इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ और, मैसेज, ठीक है, मैसेज का मैंने इसको नाम दे दिया कि भाई जो भी ना छोटे मोटे मैसेजेस होंगे वो इधर प्रिंट हुआ करेंगे, और मैं इसको H2 बना देता हूँ, सॉरी H5 बना देता हूँ मैं इसको ना, ताकि थोड़ा छोटे साइज़ में आए, H5 मैंने इसको बना दिया, ठीक है, मैसेज का नाम इसको दे दिया मैंने। तो मैंने कहा भाई अब ये छोटे मोटे जो मैसेजेस होंगे ना आपके वो अलग डिव में शो होंगे, वो मेन वाले पे डिव में शो ना हो, सही है। अच्छा क्या था वो, गेट ऑल टू डू में नहीं, ये था ना पोस्ट टू डू में। तो मैंने कहा भाई ये जो आप बताते हो ना कि सेव्ड, ये मैसेज वाले में आप बताओ, मेन वाले में ना बताओ। रिफ्रेश किया मैंने, इसको लिखा यहाँ पे और लिख के ऐड का बटन दबाया, तो आप देखें ये अलग से प्रिंट हो रहा है, सही है, अलग से यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ये। अच्छा, और मैंने कुछ मज़ीद इसमें लिखा और लिख के मैंने एंटर किया, ठीक है। तो मेरे एंटर करने के ना कई सेकंड के बाद वो मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, सही है, ये मैंने लिखा और मैंने ऐड का बटन दबा दिया, अब वो सम टाइम तो फ़ौरन हो जा रहा है लेकिन देखो अभी 5 सेकंड बाद होगा वो, ठीक है। मैंने दोबारा पोस्ट कर दिया, वो 5 सेकंड बाद होगा, ये देखो 5 सेकंड बाद डिस्प्ले हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है कि मैंने जब पोस्ट किया ना सर्वर पे तो वो तो जाके सेव हो गया सर्वर पे। अब यहाँ तो जब डिस्प्ले होगा ना, जब गेट होगा, तो मैंने क्योंकि सेट इंटरवल लगाया हुआ है 5 सेकंड का, तो वो हर 5 सेकंड पे ऑटोमेटिकली सर्वर से क्या करता है, फैच करता है उसको, ऑटोमेटिकली क्या करता है, सर्वर से फैच करता है। तो वो इस वजह से ये हो रहा है कि जैसे ही मैं उसको क्लिक मारता हूँ ना, तो वो सर्वर पे तो चला जाता है लेकिन रिफ्रेश इधर वो 5 सेकंड बाद होता है। इसका क्या हल है, कौन बताएगा मुझे, आप लोगों ने ये मसला हल किया है ऑफ कोर्स, कैसे इसको मैं सही करूँ। हाँ, 1000 करने से तो वो स्पीड बढ़ जाएगी ना उसकी, मैंने स्पीड तो जानबूझ के स्लो की है कि भाई 5 सेकंड बाद, क्योंकि सर्वर पे कम से कम लोड डालना चाहिए ना। अगर मैं ये करूं कि ये जो मेरा फंक्शन है जो पोस्ट करता है टू डू,
ये पोस्ट करने के बाद जो देन जब चलेगा तो इसका मतलब वो सर्वर में सेव हो चुका है, इस पॉइंट में सेव हो चुका है ना। अगर मैं यहाँ पे देन के अंदर अगर मैं एक दफ़ा इसको और कॉल कर दूँ गेट ऑल टू डू को, तो ये मेरा मसला हल नहीं हो गया भाई। जब पोस्ट टू डू का बटन दबाऊंगा मैं और जब उस सर्वर पर पोस्ट करके उसका वापस आ जाए रिस्पॉन्स लेकर, तो इसका मतलब है सर्वर पे ऐड हो चुका है वो। अब देन के अंदर अगर मैं एक दफ़ा गेट टू डू खुद से चला दूँ, एक तो चल रहा है इंटरवल में, वो अलग है, वो तो 5 सेकंड बाद चलेगा, लेकिन एक बार मैं खुद से चलवा दूँ यहाँ पे, तो मसला तो हल हो गया ना मेरा। अच्छा अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। रिफ्रेश किया मैंने और रिफ्रेश करके मैंने कुछ इस पर कुछ मैसेज लिखा और ये करके मैंने ऐड का बटन दबाया, तो देखो वो फ़ौरन मैसेज नीचे डिस्प्ले हो गया। मैं जितनी बार भी करूँगा ना ये फ़ौरन डिस्प्ले होगा नीचे, मसला हल हो गया मेरा, आसान हो गया। अच्छा एक काम मैं और भी कर सकता हूँ, अभी तो क्योंकि मेरा ये पूरा का पूरा लोकल चल रहा है ना, तो मुझे बहुत स्पीड में दिख रहा है वो, लेकिन जब ये गेट ऑल टू डू में कॉल करूँगा ना, ये पूरा का पूरा जब एप्लीकेशन मेरी क्लाउड पे होगी, तो फिर ये लगाएगा थोड़ा टाइम। मतलब पोस्ट मैं कर चुका हूँ, हिट कर दिया, पोस्ट हो गया, पोस्ट के देन में जब ये गेट चलेगा ना, तो उसको भी तकरीबन लगेगा 1 सेकंड के करीब, ठीक है। तो उस पॉइंट पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉल करने से पहले पहले अगर मैं चाहता हूँ बिल्कुल और जल्दी से, तो मैं क्या करूँगा, जो भी टेक्स्ट, क्योंकि मुझे तो पता है यूज़र ने क्या टेक्स्ट लिखा है, वो मेरे पास मौजूद है यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर, है ना, ये तो कहीं नहीं गया। तो मैं इस वेरिएबल से मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट उसमें डिस्प्ले करवा दूँगा। कैसे डिस्प्ले करवाऊँगा मैं, अच्छा मैं ज़रा इंटरनेट की स्पीड यहाँ से स्लो कर देता हूँ ना, ये भी ऑप्शन होता है हमारे पास। नेटवर्क में गया मैं और नेटवर्क में जाने के बाद मैंने थ्रॉटलिंग इसकी कर दी स्लो 3G, सही है। इंटरनेट को ऐसे आप स्लो करके चेक कर सकते हैं कि अच्छा यार स्लो इंटरनेट पर ये कैसे बिहेव करेगा। अच्छा ये मैंने ना इसका ये सारा का सारा डिलीट भी करवाना है, तो मैं इसको कैसे करवा सकता हूँ डिलीट, मैं ज़रा जाता हूँ MongoDB एटलस में चला जाता हूँ और वहाँ से जाके डिलीट कर देता हूँ इसको, सही है, क्योंकि मैंने अभी डिलीट का तो इसमें काम इम्प्लीमेंट किया नहीं है, तो मैं हाथ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जनाब मैं लॉग इन हो गया मेरे MongoDB एटलस में, ठीक है, ये तमाम का तमाम डेटा MongoDB के डेटाबेस में जाके सेव हो रहा है। अच्छा ये जनाब खुल गया हमारा डेटाबेस, मैंने कहा ब्राउज कलेक्शंस और यहाँ पे आके मैं ये कलेक्शन तमाम की तमाम देख सकता हूँ, ठीक है। ये टू डूज़ के नाम की कलेक्शन है, इसमें ये इतना सारा डेटा मेरे पास मौजूद है, ये नोट करें, ये जो भी मैंने लिखा है सब इसके अंदर डेटाबेस के अंदर मौजूद है। तो मैं इस कलेक्शन को ही डिलीट कर देता हूँ, राइट, कलेक्शन का नाम मैंने लिखा, डिलीट कर दिया, सही है। तो ये डिलीट करने से क्या होगा, फिर वो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब मैंने रिफ्रेश किया तो कोई डेटा नहीं है और इंटरनेट मैंने स्लो किया हुआ है, राइट, स्लो 3G पे मैंने इंटरनेट किया हुआ है। अब जब मैं ऐसे करके उसको लिखूंगा ना ABC और एंटर करूंगा, ये एंटर कर चुका हूँ मैं, देखो कितनी देर में आया, पोस्ट हुआ उसमें भी टाइम लगा ज़्यादा, फिर जब वापस आया उसमें भी टाइम लगा ज़्यादा, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश करके मैं दोबारा से ये काम करके दिखाता हूँ। ये तो एक आ गया मेरे पास जो पहले से लिखा हुआ था, अब मैंने कहा कि 1, 2, 3 लिखो और जब मैं एंटर करूंगा तो लिखा आएगा सामने योर टू डू इज सेव, इसका मतलब है वो पोस्ट जाके वापस आ चुका है, उसके बाद गेट की रिक्वेस्ट लगेगी। ये देखना दोनों दोनों में फ़र्क होगा काफ़ी, ये आ गया अब इसके बाद दूसरा आया, तो दो रिक्वेस्ट जा रही है, एक पोस्ट की और एक फिर गेट की, और दोनों आपको दिख रहा है कि काफ़ी टाइम लगा रही है जाने और आने में। इस केस में अगर मुझे मतलब जैसे ही मेरा डेटा पोस्ट होता है, मैं उससे भी पहले अगर मुझे डिस्प्ले करवाना है बहुत ही बिल्कुल फास्ट, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शनली एक ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि मुझे पता है कि बंदे ने क्या लिखा है और मुझे ये भी पता है कि उसको डिस्प्ले कैसे करवाया जाता है, ठीक है। तो मैं उसको हाथ से डिस्प्ले करवा दूंगा अलग से, सही है, ऐसे करके डिस्प्ले होता है ना। और मैंने कहा कि यार जो भी बंदे ने टेक्स्ट लिखा है ना उसको क्या कर दो, स्क्रीन पे ऐसे डिस्प्ले करवा दो। ये सब लोगों को समझ आया क्या हुआ, ये पोस्ट टू डू का जब फंक्शन चलता है तो वो डेटाबेस में तो मुझे पता है ऐड हो जाएगा, वो तो मुझे पता है हो जाएगा, ठीक है, लेकिन डेटाबेस में ऐड होने से पहले मैंने उसको क्या किया, हाथ से यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, बल्कि यहाँ पे भी नहीं, मैं उसको पहली लाइन में करवा देता हूँ, ये मैंने उसको पहली लाइन में करवा दिया, स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होकर नजर आ जाएगा, बट दिस इज ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप ये करें, जितना हमने कर दिया वो भी गुड इनफ था।
अब आप नोट करें, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, अब मैं x y z लिख के मैं एंटर करूंगा, तो आपको ना यहाँ पे इस तरफ रिक्वेस्ट जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये क्लिक कर दिया मैंने, रिक्वेस्ट अब गई है और अब वहाँ से रिस्पॉन्स आया। लेकिन ये ए बी सी आपको और ये एक्स वाई जेड आपको बिल्कुल फौरन दिख गया था। अब देखिए आप कितनी स्पीड में ये दिखता जा रहा है, हालांकि स्लो इंटरनेट है ये। ठीक है, लेकिन ये जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली फेक है। सही है, ये फेक है, वो जाहिर है जब इंटरनेट से रिस्पॉन्स आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इसमें लगा भी देता हूँ ना कि ये फेक है, मैंने कहा कि भाई ये क्या है, फेक है। ठीक है, तो आपको वो एक्चुअली दिखेगा, यानी जब मैं ये कर दूंगा ना ऐसे वाला, तो आपको वो एग्जैक्टली दिखेगा कि हाँ यार ये वाला जो पार्ट है ना, ये फेक है। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने। अच्छा, ये कलेक्शन दोबारा से बहुत सारी हो गई है, तो मैं कलेक्शन को दोबारा से क्या कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, कलेक्शन को मैं दोबारा ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कलेक्शन को ड्रॉप कर दिया। अब देखिए मैं कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा ना, एंटर, ये देखो अभी तक ये फेक है, अब ये रियल वाला आया। लेकिन ये रियल वाले आने से पहले ये क्या हुआ, खाली क्यों हो गया था ये रियल वाला आने से पहले? खाली तो हमने कहीं पे भी नहीं करवाया। एक दफा और करते हैं इसको, रिफ्रेश किया इस पेज को मैंने, एक तो ये डेटा मेरे पास आ गया। अब मैं कुछ लिखूंगा ना, लिख के एंटर करूंगा, ये मैंने एक और लिख के एंटर किया, तो ये वाला फेक है अभी तक, सेव्ड। अब रिक्वेस्ट गई वैसी मैं, अब ये जेन्युइन हो गया, अब ये डेटाबेस से उठ के आ चुका है। ठीक है, तो जब तक डेटाबेस से नहीं आता वो, जब तक मैं उसको एज अ मतलब वो फेक तो नहीं है, खैर वो डेटा तो एक्चुअली है, लेकिन वो मैंने डायरेक्ट हाथ से यहाँ पर लिख कर दिखा दिया। अब जितना भी स्टूडेंट इंटरनेट होगा ये फ़ौरन दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया, तो मैं ये फेक वाला वर्ड भी इससे अब रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि यूज़र को नहीं पता होगा कि ये फेक है या क्या है। ठीक है, यूज़र को पता नहीं चलेगा, यूज़र को समझेगा दिख गया जो मैंने लिखा था वो दिख गया। ठीक है, इसका एक डाउन साइड भी है, इसका एक डाउन साइड ये है, इसी वजह से मैंने इसको कहा था कि ये ऑप्शनल है। इसका डाउन साइड ये है कि अगर ये पोस्ट किया ना सर्वर पर और ये पोस्ट फेल हो गई, अगर यूज़र को स्टिल लगेगा कि वो पोस्ट हो चुका है, यूज़र को पता नहीं चलेगा कि वो फेक है। आमतौर पर इसके लिए करते क्या है लोग, लोग इसके लिए ये करते हैं कि उसको डिस्प्ले तो करवा देते हैं, लेकिन इसको डिस्प्ले करवाने के साथ साथ ना इसके साथ एक छोटा सा लोडर दिखा देते हैं कि ये अभी एक्चुअल में गया नहीं है, पोस्ट नहीं हुआ। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये छोटा सा लोडर चल रहा होगा कि अभी ये जा रहा है, ताकि यूज़र को पता हो कि अच्छा ये दिख तो गया है मुझे, लेकिन एक्चुअल में ये पोस्ट नहीं हुआ अभी। ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए करते हैं, अदरवाइज़ यूज़र को लगेगा यार वो चला गया है, पता चला पीछे से उसका इंटरनेट बंद था, वो लिखता जा रहा है और सेव करता जा रहा है, उसको लग रहा है तो सारा सेव हो रहा है, लेकिन वो सेव तो हो नहीं रहा, समझ लो। तो ऐसे इनकन्वीनियंस का सबब बन सकता है ये वाला पार्ट, इसी वजह से इसको मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया और इसको मैंने ऑप्शनल बता दिया। तो ये वाला जो काम है अभी तक हमने जो किया है, इसमें आई होप कि किसी का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, अब हम एक दूसरी चीज़ की तरफ आ जाते हैं। अभी तक हमने कोई एडिशनल कोड नहीं लिखा है इसके अंदर ना, पुराना वाला जो कोड लिखा हुआ था उसी को थोड़ा थोड़ा सा हमने बेहतर बना लिया है। अब ये देखें, योर टू डू इज सेव्ड जो लिखा हुआ है, मैंने पेज को रिफ्रेश किया और मैंने यहाँ पर कुछ लिख के और ऐड का बटन दबा दिया। अब ये योर टू डू इज सेव्ड जो लिखा हुआ है, ये ख़त्म भी तो होना चाहिए ना, क्या सेव हमेशा के लिए सेव, एक बार क्लिक किया था हो गया सेव ख़त्म, है ना, इसको ख़त्म भी तो कराना है मुझे। तो मैं जिस पॉइंट पे ये लिखता हूँ ना कि योर टू डू इज सेव्ड, यहाँ पे लिखा है मैंने, इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, एक मैं सेट टाइम आउट लगा देता हूँ। सेट टाइम आउट क्या होता है, एक है सेट इंटरवल, एक है सेट टाइम आउट, इन दोनों में क्या फ़र्क है कोई बता सकता है? जावास्क्रिप्ट तो हम सब पढ़ चुके हैं, हमने जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ कवर नहीं की थी क्योंकि बहुत बेसिक है ये। कुछ टाइम के लिए आएगा और गायब हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए सेट टाइम आउट में और इंटरवल में क्या फ़र्क है बता सकता है कोई, ये पूछा मैंने एक्चुअली ना। वो तो हम इससे लेंगे क्या काम, वो तो हमारे ऊपर है। देखो नाम से ही साफ जाहिर है, ये है सेट टाइम आउट। टाइम आउट कहते हैं कि एक सर्टेन टाइम है जो निकल रहा है आपसे, है ना, टाइम आउट उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कहते हैं ना टिकिंग टाइम,
कि भाई 5 बजे इंटरव्यू है, अब टाइम इज टेकिंग, टाइम इज गेटिंग आउट, तो 15 मिनट रहेगा इंटरव्यू में, फिर थोड़ी देर में वो 10 मिनट रह जाएंगे, फिर थोड़ी देर में 5 मिनट, तो ये सेट टाइम आउट जो है ना वो वंस चलने वाली चीज़ है, वो एक बार 5 बज गया तो हो गया ख़त्म, 5 दोबारा नहीं बजेंगे अब, सही है। तो सेट टाइम आउट के अंदर मैंने बोला 2 सेकंड, मिली सेकंड में बोला 2000 मिली सेकंड या 2 सेकंड, एक ही बात है, तो इसको मिली सेकंड में देना होता है आपको हमेशा, और 2000 मिली सेकंड के करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया, इसको देख रहे हो, ये फंक्शन है, ये ES6 का फंक्शन है, राइट, इससे सब लोग फेमिलियर है ना, ये फंक्शन है ना, सब एग्री कर रहे हैं इससे। अच्छा, फंक्शन कीवर्ड वाला फंक्शन भी दे सकता हूँ मैं, ES5 का भी दे सकता हूँ, दैट्स परफेक्टली फाइन। और इस फंक्शन के अंदर मैं इसको क्या बोलता हूँ कि इस मैसेज को ना आप खाली करवा दो, इस मैसेज को आप क्या करवा दो, खाली करवा दो, ठीक है। मैंने कहा अभी इसमें डिस्प्ले करोगे योर टू डू इज सेव, और सेट टाइम आउट में 2 सेकंड बाद ये फंक्शन जब चलेगा तो इससे वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब हमारे पास ज़रा इम्पैक्ट इसका देख लेते हैं क्या आया। मैंने कहा भाई कुछ डेटा लिखा, सेव का बटन प्रेस किया, ये जाके सेव हुआ और 2 सेकंड बाद ये मैसेज खुद से गायब हो गया, सही है, मेक सेंस है ये। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर्म के अंदर अब क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसमें और कुछ ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है क्या। इंटरनेट जो स्लो किया हुआ था उसको मैं वापस तेज़ कर देता हूँ। नो थ्रॉटलिंग, ये थ्रॉटलिंग मैंने इसकी बंद कर दी। मैंने इसमें कुछ लिखा, सेव किया, कुछ लिखा, सेव किया, कुछ लिखा, सेव किया, सेव हो रहा है, सही है। अच्छा, ये वाला तो मसला हमारा बेहतरीन हल हो गया। अब दूसरी तरफ हम ये आते हैं कि मुझे डेटाबेस ना बार बार यहाँ पे आके देखना पड़ता है, MongoDB क्लाउड में आके मुझे देखना पड़ता है बार बार, दैट इज़ टाइम टेकिंग, और फिर इसमें लॉग इन करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो अभी कलेक्शन है, ये अपडेट नहीं हो रहा खुद से, पूरा पेज रिफ्रेश करना पड़ा मुझे। तो इसके लिए ना हमारे पास एक टूल होता है, दैट इज़ कॉल्ड MongoDB कंपास, सही है। तो वो टूल हम यूज़ करना सीखेंगे आज। अच्छा, वो टूल ना हमें बिल्कुल यही सेम चीज़ दिखाता है, कोई ऐसा वो चांस से आया हुआ नहीं है, कोई स्पेशल काम नहीं कर रहा, वो बिल्कुल यही चीज़ दिखाता है हमें। लेकिन उसको यूज़ करने से बेहतर मुझे क्या हो जाता है मेरी अप्रोच में, कि मुझे बार बार ना इस वेब एप्लीकेशन में नहीं आना पड़ता, इस वेब एप्लीकेशन में नहीं आना पड़ता, बल्कि वो लोड हुआ होता है पहले से। यहाँ पे जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो पूरी वेब एप्लीकेशन रिफ़्रेश होती है, उसमें मैं सिर्फ इसको रिफ़्रेश करूँगा, इसको कलेक्शन को, मैं बोलूँगा यार कलेक्शन को रिफ़्रेश करो, वो डेटा दोबारा उठा के ले आएगा, बहुत ही फास्ट होता है वो निस्बतन इसके, वैसे तो इतना फास्ट नहीं है वो ही स्लो ही है, लेकिन इसके निस्बत तो बहुत फास्ट है। तो हम क्या करते हैं, MongoDB कंपास जो है यहाँ से ले लेते हैं। MongoDB कंपास को मैंने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, ठीक है जी, ये MongoDB कंपास डाउनलोड। ये मुझसे वर्जन पूछ रहे हैं कि कौन सा चाहिए, वर्जन तो लेटेस्ट ही करना है आपको, ठीक है, स्टेबल वाला, जो स्टेबल है, और एक होता है बीटा, बीटा नहीं करना, उसमें बड़ा मसला होता है, रोज़ अपडेट भी आती है, फिर आप काम नहीं कर पाते प्रॉपर। अच्छा, मुझसे प्लेटफॉर्म पूछ रहा है, मेरा जो है MacOS पहले से सिलेक्टेड आ रहा है, आपके पास विंडोज़ पहले से सिलेक्टेड आएगा, ठीक है, पैकेज इसमें DMG होता है, ठीक है, विंडोज़ में 2 तरह के पैकेज होते हैं, XZ एक MSI, दोनों में से कोई भी कर लें, एक ही बात है, आपने ये डाउनलोड का बटन दबा देना है, यहाँ से ज़िप आ रहा है, उसके अंदर XZ होगा, करके देखो डाउनलोड, मुझे बताओ अगर ज़िप को डाउनलोड, 1.6.0 जो स्टेबल आ रहा है ना, ऐसे खोल के देखोगे ना, बस यही वाला कर लो, स्टेबल वाला जो है, ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया अभी आपके सामने। आप सब लोग भी ना एक कर ले, आप में से कोई एटलीस्ट एक दो लोग कर ले, सारे एक साथ करेंगे ना फिर वो इंटरनेट स्लो हो जाएगा, सारे एक साथ नहीं करना। इसमें हुआ हुआ होगा भाई, जगह पहले से ना कुछ पीसीज में, आप स्टार्ट का बटन प्रेस करके लिखेंगे ना कंपास तो ये आ जाएगा, क्योंकि पहले भी इस क्लास में ये बात पढ़ाई जा चुकी है। अच्छा, ये डाउनलोड मेरे पास कंप्लीट हो गया, तो मैंने क्लिक करके उसको ओपन किया ना, तो कुछ इस तरह से ये ओपन हो गया। अच्छा, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और इसके एप्लीकेशन के अंदर लाके छोड़ दिया। ये मुझसे कह रहा है भाई पहले से भी मौजूद है, मैंने कहा रिप्लेस कर दो उसको,
ठीक है, तो ये मेरे पास तो ऐसे इंस्टॉल होता है, आपके पास ये ऐसे इंस्टॉल नहीं होगा। विंडोज़ में आप जो लोग मौजूद हैं वो डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, नेक्स्ट 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 करेंगे आप इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम यार, बस यही हूँ मैं, खैरियत? अच्छा अभी तो मैं क्लास में हूँ ना, क्लास पढ़ा रहा हूँ, अगर तो मैं क्लास के बाद बात करूँ अगर कोई ऐसी बात नहीं हो। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, अपडेट देता हूँ, कुछ क्लास के बाद अपडेट देता हूँ। अच्छा ये इंस्टॉल होके कहाँ चला गया मेरे पास? सही है, डेस्कटॉप पे ही शो हो गया मेरे पास। ये डेस्कटॉप पे क्यों शो हो गया? मैंने तो उसको एप्लीकेशन में डाला था। हाँ भाई किया किसी ने इंस्टॉल? इंस्टॉल हो गया? नहीं हुआ कैसे, मतलब डाउनलोड कर रहे हो या क्या कर रहे हो? डाउनलोड में 1 आवर लेफ्ट आ रहा है तो बंद कर दो ना, कोई एक करो। कितने लोग कर रहे हैं अभी इस वक्त, कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं? यार सब बंद कर दो, सिर्फ इस वक्त तुम करो सिर्फ, सही है, बाकी सारे लोग कैंसिल कर दो अपना डाउनलोड। मैं जस्ट इसलिए अभी करवा रहा हूँ इससे ताकि पता चल जाए उसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन, तो वो तुम्हें बता दूंगा अभी मैं। न्यू कलेक्शन, अच्छा तुमने कर लिया इंस्टॉल, सही है, वेल डन। इंस्टॉलेशन में तुम्हें कैसे, डाउनलोड करके किया अभी अभी किया? उसको मैं डबल क्लिक करा, ऑप्शन आया, मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट में करता गया, फिर नीचे ऑप्शन आया गेट स्टार्टेड, नहीं zip फाइल डाउनलोड हुई, zip फाइल के अंदर एक्सी फाइल थी, एक्सी फाइल डायरेक्ट डाउनलोड हुई। अच्छा डायरेक्ट डाउनलोड हुई है, यार इनके पास zip क्यों हो रही है? नहीं सर नीचे उसमें ऑप्शन आ रहा है। अच्छा एक्सी का आ रहा है, हाँ तो एक्सी फाइल डाउनलोड करना वो बहुत ईजी है, डबल क्लिक करोगे नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल हो जाएगा वो। ठीक है, अच्छा तो बस अब यहाँ देख लो, छोड़ दो उसको अपना, एक ने इंस्टॉल कर लिया है, इशू नहीं है, तो बस खत्म हो गई बात। तो अच्छा अब तुम जब उसको इंस्टॉल कर लोगे ना तो तुम्हारे पास इस तरह की स्क्रीन खुलेगी, सही है। यहाँ सामने ना एक बॉक्स बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है URI, ये URI लिखा हुआ है सामने, सही है। इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको तुमने हटा देना है, रिमूव कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो अब तुम्हारे सर्वर में जो लिखा हुआ है ना, इसका MongoDB का जो URL सर्वर में जो अटैच हुआ हुआ है, ये वाला URL, ये तुमने यहाँ से कर लेना है कॉपी। ठीक है, देखो ये मैंने पूरा URL कॉपी किया है, सही है, शुरू से लेके आखिर तक, आसान है, इसको कॉपी कर लिया मैंने। इसको कॉपी करके इस डायलॉग बॉक्स में आया मैं, URI वाले पे पेस्ट किया, और पेस्ट करके मैंने क्या किया, सेव एंड कनेक्ट। ठीक है, सेव एंड कनेक्ट का बटन दबा दिया। सेव करने के लिए मुझसे नाम पूछ रहा है, कलर एक ब्लू कलर दे दिया मैंने, और मैंने क्या लिया भाई, टू डू डेटाबेस। अब ये साइड में ना सेव भी हो जाएगा, दोबारा आपको ये कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे ही आप खोलेंगे एक बना हुआ आ रहा होगा, डबल क्लिक करोगे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेव एंड कनेक्ट, सही है, ये मेरे पास क्या हो गया, डेटाबेस मेरा खुल गया, खुल के ओपन हो गया। ठीक है, अच्छा अब जस्ट इन केस, जस्ट इन केस अब मैं इसको ना बंद कर देता हूँ दोबारा, इस MongoDB कंपास को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, एग्जिट कर दिया मैंने इसको। अब जब मैं इसको दोबारा ओपन करूँगा ना तो मुझे वो URL दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, वो मेरे पास साइड में ना सेव हुआ आ रहा होगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, उसको सेव कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर देखो ये देखो सेव हुआ आ रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर उसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है हाथ से, बस इधर आके ना मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। आसान है अभी तक, मुश्किल तो नहीं है कुछ, उधर जाके लॉग इन करने से तो आसान है, एक बार बस कनेक्ट कर दिया, बट डबल क्लिक करोगे वो खुल जाएगा। अच्छा अब ये खुलने के बाद, डेटाबेस कनेक्ट होने के बाद, अब यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन इन बहुत सारी चीज़ों से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें से कुछ चीज़ें यूज़ करनी है
वो समझ लो काफ़ी है, बाकी फिर वक्त के साथ साथ खुद ही समझते रहना। नंबर एक, हमें अपना डेटाबेस फाइंड आउट करना है कि हमारा डेटाबेस कौन सा है, इसके अंदर कहाँ पर है। तो पहले तो डेटाबेस का नाम देख लेते हैं क्या था। डेटाबेस का नाम था ABC डेटाबेस, राइट, ये हमने नाम रखा था। तो यहाँ पे देखते हैं कि ABC डेटाबेस कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस जगह पे, सही है, ABC डेटाबेस। अब इस ABC डेटाबेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस ABC डेटाबेस पे क्लिक किया तो आप देखें मेरे सामने क्या शो कर रहा है, ये कि यार आपका जो स्टोरेज है ना डेटाबेस का, वो 20 KB हो चुका है अभी, 7 उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और ये तमाम चीज़ें मुझे बता रहा है, जो भी डिटेल्स है ना मेरे उसकी वो बता रहा है ये। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है, मेरे डेटाबेस के अंदर देखो टू डू के नाम से क्या आ रहा है, टू डू के नाम से एक कलेक्शन आ रही है, सही है, इसको कलेक्शन कहते हैं, ये डेटाबेस है, ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। कलेक्शन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मुझे कलेक्शन के अंदर मौजूद तमाम का तमाम डेटा यहाँ पे नज़र आ गया, सही है। अच्छा, अभी डेटा मुझे ऐसे नज़र आ रहा है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में नज़र आ रहा है, लेकिन जस्ट इन केस कुछ लोगों को डेटाबेस ना इस तरह देखने की आदत नहीं होती, तो इसमें 2-3 व्यू और भी है। एक व्यू ये वाला है, इसमें ये कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, एक व्यू ये वाला है, एक व्यू ये वाला है टेबल वाला। तो डिफरेंट सिनेरियो में आपके पास जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे वो तरीका आप कर सकते हैं, सही है, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसके फील्ड को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं आप। पता नहीं है अभी सही तरह, शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है मेरे पास, ये ना सही तरह चल नहीं रहा। वेल, तो ये आप देखें तमाम का तमाम जो टू डू था ना मेरा, वो इधर शो हो रहा है। ये क्या किया मैंने इसके साथ, पता नहीं क्या किया मैंने इसके साथ, नहीं वो दोबारा ऐड कर रहा है। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, एक टू डू ऐड करते हैं जाके, और फिर देखते हैं यहाँ पे वो नज़र आता है कि नहीं आता। मैंने कहा कि भाई माई टू डू ABC, ठीक है, माई टू डू ABC, और ऐड का बटन दबा दिया मैंने, फ़ौरन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आके मुझे ये रियल टाइम में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ कोने में आप देखें छोटा सा एक बटन बना हुआ है रिफ्रेश का, इससे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये फौरन मेरा टू डू नज़र आ गया। वहाँ पे क्या करना होता था मुझे MongoDB एटलस में, पूरा पेज रिफ्रेश होता था, सही है। अच्छा, इसमें मेरे पास जो है ना क्वेरी का भी ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत बड़े डेटाबेस से डील कर रहे हैं, वो पहली बात तो उतना बड़ा डेटाबेस MongoDB क्लाउड में खुलेगा भी नहीं, वो खोलोगे ना आपको टैब ही क्रैश हो जाएगा पूरा, जब वो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट लोड करेगा ना ब्राउज़र के अंदर, वो ब्राउज़र ही क्रैश कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब तो पता नहीं क्या पता उन्होंने सही किया हो, लेकिन बड़ा डेटा एक साथ आप नहीं लोड कर सकते उसमें, इसमें कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास क्या रिसोर्स मौजूद है, आपके कंप्यूटर में कितनी रैम मौजूद है क्या। तो 1 TB तक का डेटा आप इसमें ईजिली लोड कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है, डिपेंडिंग के आपके पास रिसोर्सेज इनफ मौजूद हो। तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, भाई इतना बड़ा डेटा है, अब आपको उसमें से कोई सर्टेन चीज़ देखनी है, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, आगे फील्ड लिख देते हैं, क्वेरी लगा देते हैं इसके अंदर। अब ये क्वेरीज हमने पढ़ी नहीं है MongoDB की, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम क्वेरीज पढ़ेंगे, तो फिर वो क्वेरी यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। क्वेरी क्या होगी कि भाई आपने ऐसे करके लिखा, आपने कहा भाई एज जो है ना जिस बंदे की क्या हो, कम हो, क्या कहते हैं 19 से कम हो एज, तो अभी तो हमारे पास एज नहीं है ना, अभी तो सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट है और क्रिएटेड ऑन। तो या मिसाल के तौर पर क्रिएटेड ऑन जो है वो पिछले 3 दिनों से ज़्यादा ना हो, तो लास्ट 3 डेज का डेटा उठा के लाए, तो वरना ऐसे तो मैं कलेक्शन खोलता हूँ तो शुरू से आखिर तक लाता है ना वो। मिसाल के तौर पर 3 साल का डेटा है मेरे पास, अब वो 3 साल का डेटा जब मैं खोलूँगा ना, तो पहला जो होगा ना उसमें रो, वो 3 साल पुराना होगा, फिर मुझे आखिर तक स्क्रॉल करना पड़ेगा आज का डेटा देखने के लिए, ऐसा ही होगा ना। तो मैं उस पर ऊपर फील्ड की क्वेरी लगा दूंगा कि यार मुझे ना लास्ट 3 डेज का ला के दिखाऊंगा, मैं बोलूँगा डेट क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, डेट जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, और पिछले जो भी डेट लगानी होगी मुझे वो लगा दूंगा। मिसाल के तौर पे अगर मुझे सिर्फ 3 दिनों का डेटा लिखना है, तो मैं अभी आज 12 अक्टूबर है ना, तो मैं क्या लगाऊंगा इसमें, मैं 9 अक्टूबर लगा दूंगा, मैं बोलूँगा कि डेट शुड बी ग्रेटर देन, और 9 अक्टूबर वाला जो मिली सेकेंड है वो लगा दूंगा, तो उससे ऊपर ऊपर जो डेट होगा सिर्फ वो लेकर आएगा, ठीक है। फिर असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो यहाँ पे ऑप्शंस में सब आ रहा होता है ना,
ठीक है, प्रोजेक्शन सॉर्ट, ये सॉर्ट के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई क्रिएटेड ऑन से ना इसको सॉर्ट कर दो, रिवर्स में सॉर्ट कर दो कि जो अभी ऐड हुआ है वो टॉप पे मुझे दिखे। तो ये जितनी भी डेटाबेस के अंदर ये आपके पास फंक्शनैलिटीज होती है ना, वो सारी यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं और डेटा से प्रॉपरली आप डेटा को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। वरना ये बड़ा डेटा जो होता है ना वो हाथ में नहीं आता आपके पास, आप उसको इधर से पकड़ते हैं उधर से भागता है, इधर से पकड़ेंगे उधर से भागता है, तो इधर वो आपके पकड़ में आ जाएगा अच्छी तरह। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे क्या किया है, एक तो फिल्टर है कि भाई बंदे का फर्स्ट नेम जो वो जॉन, तो फर्स्ट नेम जॉन वाले इधर बोले। प्रोजेक्शन है कि प्रोजेक्शन मतलब लाना क्या किया है, जैसे अभी हमारे पास है ना ऑब्जेक्ट आईडी, टेक्स्ट है, क्रिएटेड ऑन है और वर्जन है, चार चीज़ें। ठीक है, अभी एक बंदे की जो जैसे यूज़र के अगर कलेक्शन में आप सर्च कर रहे हैं तो यूज़र के अंदर 1000 चीज़ें होती हैं, हमें तो दिख रहा होता है ना नाम, ईमेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर, चार चीज़ें दिख रही होती हैं, उसमें 1000 चीज़ें होती हैं कि इज़ एक्टिव है, कब इसके पास क्लेम आया है, कब क्या आया था, कब स्ट्राइक आई थी इसके अकाउंट पे, कब इसने वायलेशन की थी, वो सब प्रोफाइल के अंदर सेव होता है। तो प्रोजेक्शन में मुझे क्या चाहिए, मैं बोलूँगा भाई यूज़र ढूंढ के लाओ जिसका फर्स्ट नेम जॉन हो, और प्रोजेक्शन कौन सी लेकर आओ, उसका सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ, ये चार चीज़ें लेकर आओ, पूरा का पूरा मुझे ला के नहीं दो, क्योंकि जाहिर है 1 TB का डेटा है ना, जब वो लोड होगा तो रैम में लोड होता है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके उसको लाना है, जितना मुझे देखना है मैं सिर्फ उतना मंगवाऊंगा। उसके अलावा सॉर्ट है, अब सॉर्ट कैसे किया जाए, क्रिएटेड ऑन से भी सॉर्ट कर सकता हूँ मैं, लास्ट एक्टिव से भी सॉर्ट कर सकता हूँ, ये भी प्रोफाइल में सेव होता है कि लास्ट अब कब एक्टिव हो जाए, सही है, लास्ट जैसे फेसबुक में आपने लॉग इन किया ना, पेज खोला फेसबुक का, तो वो चेक नोट कर लेता है कि लास्ट ये इतनी तारीख को एक्टिव था, तो लास्ट एक्टिव से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप उसके डेट ऑफ बर्थ से सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि डेट ऑफ बर्थ में जो सबसे बूढ़े लोग हैं उनको टॉप पे करें, या सबसे जो कम उम्र लोग हैं उनको टॉप पे करें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डेट ऑफ बर्थ से, उसके एक्टिव टाइम से, किसी भी चीज़ से आप सॉर्ट करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर भी एक दो चीज़ें हैं, स्किप और लिमिट है। मिसाल के तौर पे 1 TB का डेटाबेस जब आप लोड कर रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको लिमिट बता सकते हैं कि भाई फर्स्ट नेम जॉन तो हो, ठीक है, चार चीज़ें भी आपने बता दी कि ये चार चीज़ें लानी है, लेकिन लाना कितना है। मिसाल के तौर पे जॉन के नाम से अरबों लोग हों, बहुत सारे अरबों तो नहीं, खैर आबादी 6 अरब है हमारी, लेकिन फिर भी करोड़ों तो हो सकते हैं ना, जॉन के नाम से करोड़ों लोग हो सकते हैं पॉसिबली, वैसे प्रॉबेबिलिटी नहीं है कि इतने ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लाख लोग होंगे जॉन के नाम के, लेकिन फिर भी मुझे लिमिट लगा सकता हूँ मैं अगर मैं चाहूँ तो। मैंने कहा यार जॉन के नाम से ना फर्स्ट 100 पीपल जो आपको मिले वो लेकर आओ, बस सारे नहीं लाओ, ठीक है, सारे लाने की ज़रूरत नहीं है, 100 लाओ पहले। अच्छा, फिर मुझे अगला 100 पेज देखना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, अभी तो मैंने लिख दिया था यार 100, तो 100 लेकर आएगा। उसके बाद मैंने बोला यार अब अगला 100 देखना है मुझे, तो मैं बोलूँगा कि स्किप 100 और फिर शुरू के 100 को छोड़ दो जो मिले हैं आपको, उसके बाद से अगले वाले 100 लाओ। ठीक है, फिर मुझे और आगे देखना है, फिर मैं बोलूँगा स्किप 200, तो शुरू के 200 को स्किप करूँ, तो मैं ऐसे 100-100 का पेज बना के देख सकता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे जब ज़्यादा डेटा होता है नीचे पेजिनेशन हुई भी होती है, गूगल सर्च में जब लास्ट में जाते हैं तो लिखा हुआ होता है नेक्स्ट पेज, है ना, आ रहा होता है ना 1, 2, 3, 4 ऐसे, तो वो असल में यही कर रहे होते हैं, शुरू में 50 रिजल्ट दिखाते हैं आपको और उसके बाद कहते हैं नीचे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट अगले अगले पेज पे, तो वो असल में स्किप और लिमिट से वो काम हो रहा होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे भी आपको दिया गया है कि अगर आप टेराबाइट के डेटाबेस से अगर आप मुखातिब हैं तो वो तो जो भी लिखेंगे आप उसमें इतना सारा डेटा आ जाएगा कि आप संभाला नहीं जाएगा आपसे, तो आप बोलते हैं यार 100-100 करके लाओ, बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मैक्स टाइम इन मिली सेकेंड, मैक्स टाइम का मतलब ये होता है कि कितनी देर तक अगर जो है ना वो रिस्पॉन्स ना आए, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट मिली सेकंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन फॉर कर्सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट नाम को देख के ऐसा लग रहा है कि इतनी सेकंड तक ये वेट करेगा, अगर इतने सेकंड तक रिस्पॉन्स नहीं आता ना तो ये समझ लेगा कि डेटाबेस से रिस्पॉन्स नहीं आता है, सही है, ये मैक्सिमम इसका ना वेटिंग टाइम है। ठीक है, ये ऑप्शन अगर आप बंद कर देंगे तो आपको सिर्फ फिल्टर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अब जो भी हम काम करेंगे ना डेटाबेस के साथ, मिसाल के तौर पर मैंने डिलीट किया, अब डिलीट एक्चुअल में हुआ या नहीं हुआ, जाहिर है डेवलपमेंट के दौरान आपको डेटाबेस को देखने की ज़रूरत पड़ सकती है बार बार, जैसे अभी देखो मुझे ज़रूरत पड़ी, भाई मैंने अभी तक डिलीट का फंक्शन इम्प्लीमेंट ही नहीं किया और मुझे इसको डिलीट करवाना है, तो मैं डेटाबेस में डायरेक्ट जाके डिलीट करूँगा, तो मुझे कहाँ जाना पड़ा, डेटाबेस में जाना पड़ा,
तो इसी तरह डेवलपमेंट के दौरान आपको इस डेटाबेस में आने की कई दफ़ा ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अब देखो यहाँ से उसी चीज़ को कर सकता हूँ जो मैंने वहाँ से किया था। ये देखो टू डू है, मैंने कहा टू डू पे राइट क्लिक किया और मैंने कहा ड्रॉप कलेक्शन, ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट। तो मैं वही काम देखो अब यहाँ से कर रहा हूँ, एंटर किया ड्रॉप हो गया ख़त्म, यहाँ से भी गायब हो गया, सही है। अब यहाँ से मैं कुछ भी ऐड करूँगा, लिख के ये मैंने ऐड किया और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा इसको, देखो एक यहाँ पे भी रिफ्रेश का बटन है, सही है। जो इधर इस तरफ रिफ्रेश का बटन था वो था कलेक्शन को रिफ्रेश करने का, ये पूरे डेटाबेस को रिफ्रेश करेगा कि पूरे डेटाबेस में क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है यार, ये क्या बकवास है, शो नहीं किया इसने यहाँ पर, हाँ आ गया ना, शो हो गया, सही है। देखो ये दोबारा से शो हो गया मेरे पास, क्लिक किया मैंने, वो सारा कुछ जो मैंने अभी अभी ऐड किया था वो यहाँ पे नज़र आ गया। इसमें से किसी एक को मैंने अगर डिलीट करना है तो आप देखें यहाँ पे क्या बना हुआ है, डिलीट का बटन बना हुआ है। किसी एक को भी डिलीट कर सकता हूँ, तमाम को सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, पूरा कलेक्शन ड्रॉप कर सकता हूँ, हाथ से ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, सही है। यहाँ पर मैं हाथ से कोई चीज़ चाहूँ ना कि मैं ऐड कर दूँ डेटाबेस में तो वो भी मेरे पास ऑप्शन है, वह लोग करने की हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, अच्छा सम टाइम आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती है, राइट, इसमें वो भी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे जो डेटाबेस है आपका उसको आपको एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी शायद आपको पता नहीं समझ आ रहा हो या नहीं। आमतौर पे जब आप किसी जगह पे जाते हैं ना एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो उनकी पहले कोई ना कोई एप्लीकेशन चल रही होती है छोटे पैमाने पर, कुछ भी होता है इस तरह, या उनके जैसे अभी मिसाल के तौर पर अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। अब अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस होती है, तो वो एम्प्लॉय होंगे 5,000, अब वो सारे एम्प्लॉय डेटाबेस में आएंगे कैसे, एक बंदा बैठेगा उसको एक एक करके एंटर करेगा डेटाबेस में, है ना। लेकिन उनके पास पहले भी तो कोई ना कोई अटेंडेंस सिस्टम होगा, एक्सेल शीट पे वो सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा मौजूद होगा, कोई ना कोई डेटाबेस उनके पास चल रहा होगा जिसमें वो एम्प्लॉयज़ होंगे, तो वो उससे उस डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल शीट में, वो एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी, आप उसको अपने डेटाबेस में इंपोर्ट कर देंगे। अब वो इंपोर्ट करते हुए पूछता है आपसे कि किस फील्ड का नाम क्या रखना है, कैसे रखना है, मतलब एक प्रोसेस है पूरा वो, लेकिन वो इसके अंदर हो जाता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो मैंने आपको बता दी। तो मैं फिलहाल ये जो मेरा डेटा है ना अभी टूडू का, ये वाला जो डेटा है इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ किसमें, एक्सेल शीट में। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट का बटन दबाया, ठीक है, एक्सपोर्ट फुल कलेक्शन। इसने मुझसे पूछा कि एक्सपोर्ट कौन सा करना है, मैंने कहा पूरी कलेक्शन एक्सपोर्ट करो, और सेलेक्ट फील्ड पूछा फिर इसने अगला, इसने कहा भाई कौन कौन सी चीज़ इसमें शामिल करनी है। मैंने कहा अंडरस्कोर आईडी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्रिएटेड ऑन और टेक्स्ट चाहिए कि कितने बजे क्रिएट हुए और वो टेक्स्ट क्या है। मैं सारे भी सेलेक्ट कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट दो को हटा दिया। उसके बाद मैंने कहा सेलेक्ट आउटपुट, सेलेक्ट आउटपुट ये कह रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन है, नंबर एक जेसन, जेसन में बना दो, जेसन की फाइल आपको दे देगा ये, दूसरा सी एस वी, सी एस वी आई थिंक ज़्यादा बेहतर है, सी एस वी ज़्यादा जगहों पे जो है ना वो क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल है। लेकिन जेसन के अंदर ना डेटा टाइप आपकी सेफ रहती है ना, मिसाल के तौर पे डेटाबेस में कोई चीज़ नंबर थी, कोई स्ट्रिंग था, अलग अलग, सी एस वी में ना नंबर स्ट्रिंग एक ही होता है, सी एस वी में सब स्ट्रिंग होता है, की वैल्यू, एक्सेल की शीट होती है असल में वो, तो एक्सेल की शीट में जितने भी सेल होते हैं ना वो सब स्ट्रिंग होते हैं, नंबर नंबर का सीन, सी एस वी की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, गूगल शीट में तो वैसे अलग होता है लेकिन सी एस वी की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने इसको जेसन सेलेक्ट किया, फिलहाल सी एस वी कर लेता हूँ। कह रहे हैं आप सेलेक्ट आउटपुट, आउटपुट में ये कि पूछता है कि भाई फाइल का नाम क्या रखोगे और किधर जाके सेव करना है, डाउनलोड के फोल्डर में, मैंने ब्राउज का बटन दबाया, ये इसमें टू डू डॉट सी एस वी मैंने नाम रखा और मैंने कहा भाई इसको ना डाउनलोड में आप सेव करवा दो, सही है, सेलेक्ट, ये सेलेक्ट हो गया कि भाई इधर जाके ये सेव होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट का बटन दबाया, एक्सपोर्ट कंप्लीटेड, और उसके बाद ये शो फाइल आ रहा है। अब शो फाइल में करूँगा ना तो मुझे वो खोल के दिखा दिया इसने ये फाइल, ये है टू डू डॉट सी एस वी, इसको मैं डबल क्लिक करके अगर ओपन करता हूँ तो मेरे पास एक्सेल इंस्टॉल है ऑलरेडी इस मशीन में, तो सी एस वी को उसने एक्सेल पे ओपन कर दिया ना, मेरा ओके, सही है, ये देखो इस तरह एक्सेल की शीट में बनकर आ गया, ये सही है, सी एस वी फाइल जो होती है वो एक्सेल की शीट पे खुल जाती है, ओपन हो जाती है। तो ये देखो एक्सेल की शीट पे ये बना हुआ आ गया, क्या बना हुआ आ गया, क्रिएटेड ऑन और टेक्स्ट, ये दो चीज़ बनी हुई आ गई मेरे पास। आप देखें इसमें क्रिएटेड ऑन पे ये लिखा हुआ है, टेक्स्ट में ये लिखा हुआ,
और इसी तरह की शीट को मैं वापस डेटाबेस में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, सही है ना। अब 5000 एम्प्लॉयज़ हैं, उनका क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, लोकेशन, लाभ 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 बहुत कुछ है उसका एक्सेल की शीट में। आपको एक्सेल की शीट मिलेगी, आपको आपने कहा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट आप कहाँ से करते हैं, इसमें बटन होगा कहीं ना कहीं इम्पोर्ट कलेक्शन में। ये तो एक्सपोर्ट कलेक्शन हो गया, मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है जी एक्सपोर्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें इम्पोर्ट कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ये रहा इम्पोर्ट डेटा कलेक्शन के अंदर आ रहा है इम्पोर्ट, ये मैंने प्रेस किया इम्पोर्ट डेटा, सेलेक्ट फाइल। अब सेलेक्ट फाइल में ना मैं वो टू डू के नाम से जो फाइल थी उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो अभी मैंने एक्सपोर्ट की थी यहाँ से। ओपन का बटन दबाया, इसने ना पकड़ लिया ऑटोमेटिक कि भाई ये CSV फाइल थी, और इसकी फील्ड्स ये पूछ ली इसने कि भाई कौन सी थी, ठीक है। इसको पता चल गया कि इसके अंदर क्या है, क्रिएटेड ऑन के नाम से एक है और एक टेक्स्ट के नाम से। मैंने कहा क्रिएटेड ऑन जो है ना भाई साहब, ये है डेट, देख रहे हो सबको स्ट्रिंग के तौर पर ट्रीट कर रहा है ये। मैंने कहा नहीं भाई, ये क्रिएटेड ऑन जो है ना, ये है डेट, सही है। ये मुझे करना पड़ता है ये CSV की वजह से, जेसन में ये चीज़ नहीं होती, जेसन में भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है लेकिन थोड़ा बेहतर है जेसन इससे, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई इम्पोर्ट, ये इम्पोर्ट हो गया मेरा सारा का सारा डेटा, ठीक है। देखिए डबल हो गया यहाँ पर, क्योंकि एक बार पहले से था, एक बार इम्पोर्ट हुआ तो डबल हो गया, ठीक है। आसान था, मुश्किल तो नहीं था। तो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी मैंने आपको सिखा दिया डेटाबेस में कैसे होता है। अच्छा, तो इसमें किसी का कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो MongoDB कंपास वगैरह को लेकर? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये MongoDB कंपास अपने पास इंस्टॉल कर लिया? इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमने जब एक्सपोर्ट किया था तो उसमें ID तो एक्सपोर्ट की नहीं थी हमने, और क्या कहते हैं आपका जो ये है, जब मैंने वापस उसी को इम्पोर्ट किया तो उसमें ID लिखी हुई आ गई। देखो MongoDB का जो डेटाबेस है ना, ये इस ID को ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, सही है। उसको ID अगर मैं दे भी दूंगा ना, उसको ID अगर मैं दे देता तो वो क्या करता, वो फिर डुप्लीकेट नहीं होता, वो उसी ID में जाके फिर उसको अपडेट मारता, या मुझे सामने कोलाइड बता देता कि यार ये तो कोलिजन हो रहा है, ये जो ID है ये पहले से मौजूद है, कोलिजन दे देता। तो जब हम भी डेटाबेस में डेटा ऐड करते हैं तो हम ID नहीं बताते, तो काइंड ऑफ कि उसके अंदर ना ये तमाम की तमाम फील्ड दोबारा से ऐड हुई हैं और ID उसको MongoDB ने खुद असाइन कर ली। अच्छा, ID के अलावा एक यहाँ पे ये -V एक भी था, ये भी, इसको भी मैंने हटा दिया था, तो आप देखें ये उसमें नहीं है, ये उसमें नहीं आया, नो फील्ड, ठीक है। तो ID ये खुद से करता है इसलिए इसने कर दिया। अगर हम ID के साथ करते हैं तो वो मोस्ट प्रॉब्ली या तो उसी में रखता उसको, डुप्लीकेट नहीं करता, या तो मुझसे वो पूछ लेता कि यार ये तो ID पहले से मौजूद है, तो कुछ ना कुछ होता है। वो आप करके देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको कि ये कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अभी 30 मिनट्स मौजूद हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ज़रा API लिख लेते हैं, उसकी ना डिलीट की, हमारे पास सिर्फ अभी गेट और पोस्ट है, ठीक है, तो डिलीट की ज़रा API लिख लेते हैं हम। अच्छा, पहले तो हम कर लेते हैं डिलीट ऑल, सही है, डिलीट ऑल सबसे पहले कर लेते हैं, सही है। ऐप डॉट डिलीट, और URL मेरा क्या होगा, टू डूज, सही है, क्योंकि एक से ज़्यादा डिलीट हो रहा है तो S लगा हुआ URL के अंदर, ठीक है। मॉडल डॉट फाइंड है, तो मैंने इसमें मॉडल डॉट फाइंड नहीं करना, मॉडल डॉट डिलीट मैनी कर दिया मैंने, चलो सही है। डिलीट मैनी को मुझे क्या देना होता है, ये बता रहा है मुझे, डिलीट मैनी को मुझे फ़िल्टर देना होता है, यानी कि क्वेरी, और उसके अलावा मुझे अगला इसको कॉल बैक देना होता है, ठीक है। और ये मुझे रिटर्न करता है डिलीट का रिज़ल्ट, सही है। मैंने कहा MongoDB.delete, सही है, और क्या देखा था मैंने इसमें, हाँ फिल्टर देना होता है, और कॉल बैक में क्या लेता है, ये कॉल बैक की,
पता नहीं क्या होता है, खैर तो मैंने डिलीट मैनी के अंदर ना मैंने क्वेरी लगा दी, क्राइटेरिया बता दिया कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट का मतलब है सब कुछ ही डिलीट करना है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट हर चीज़ से मैच हो जाता है, ठीक है। और मैंने इसके अंदर क्या बोल दिया, मैंने इसके अंदर बोला कि भाई इफ़ नॉट एरर, मतलब डिलीट मैनी अगर सही चल गया तो नॉट एरर। तो इसमें मैं जवाब देता हूँ कि भाई ऑल टू डू हैज़ बिन डिलीटेड सक्सेसफुली, राइट। और डेटा के अंदर मैंने कुछ भी नहीं देना है इसके अंदर, क्योंकि वो तो डिलीट हुआ, बचा ही कुछ नहीं है डेटा में। अदरवाइज मैंने क्या बोलना है कि 500 सर्वर है, सही है, ऐप डॉट डिलीट से तमाम को डिलीट कर दिया मैंने। अब मेरे पास अभी फ्रंट एंड में मैंने इस API को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो मैं इसको टेस्ट कैसे करूँगा, मैं इसको टेस्ट करूँगा थंडर से, जो कि API टेस्टिंग का टूल है। मैंने सेव किया और मैं आ जाता हूँ थंडर में। थंडर में आने के बाद मैंने इसको क्या बोला कि भाई एक नई रिक्वेस्ट तैयार करो, वो नई रिक्वेस्ट क्या होगी, लोकल होस्ट 3001, कौन सा है मेरे सर्वर का पोर्ट अभी, राइट नाउ सर्वर मेरा 3000 पे चल रहा है, ठीक है, तो मैं 3000 पे ये रिक्वेस्ट दूंगा। और क्या दूंगा मैं, टू डूज, और रिक्वेस्ट होगी मेरे पास डिलीट की, ठीक है, टू डू में एस लगाया हुआ है मैंने, और डिलीट की रिक्वेस्ट, यानी एक से ज़्यादा टू डू डिलीट हो रहे हैं। बॉडी में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो पहले से लिखा हुआ है तो खैर है, अगर दे भी दूँ मैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, बॉडी से मेरा कोई लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए। मैंने इसको सेंड किया, यहाँ पे लिखा हुआ गया ऑल टू डूज हैज़ बीन सक्सेसफुली डिलीटेड। अब मुझे मेक श्योर करना है कि ये सर्वर से सॉरी डेटाबेस से कंप्लीट डिलीट हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो मैं इधर आऊँगा इस कलेक्शन में, और ये मेरा छोटा सा रिफ्रेश का बटन है, इसको मैं प्रेस करके देखूंगा कि ये डिलीट हुआ या नहीं हुआ। रिफ्रेश किया मैंने, तमाम का तमाम डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है, सही है, आसान था, मुश्किल तो नहीं था। अब मैं इसको UI के ऊपर अपने इंटीग्रेट कर लूँगा ईजिली, ठीक है। एक API मैंने और लिखनी है, सिंगल टू डू को डिलीट करने वाली API, सही है। आते हैं जी हम यहाँ पे, अब इसी डिलीट की रिक्वेस्ट को मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा, और मैं इसमें से क्या हटा दूँगा, S हटा दूँगा, और S हटा के मैं स्लैश लगाऊँगा और ID ले लूँगा। ज़ाहिर है सिंगल टू डू डिलीट हो रहा है तो उसकी ID भी बतानी चाहिए, सिंगल टू डू कौन सा सिंगल टू डू, वहाँ तो बहुत सारे हैं, तो ID मैंने ले ली यहाँ पे। अब इसको डिलीट मैनी को क्या कर दूंगा मैं, डिलीट वन, और डिलीट वन को मुझे क्या बताना होता है, क्राइटेरिया बताना होता है। डिलीट वन को अगर मैं ये वाला क्राइटेरिया दूंगा ना जो सबसे मैच होता है, तब भी ये एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं करेगा, ठीक है, ये ऊपर से शुरू करेगा, सबसे पहले वाले पे जाएगा, जाहिर है ये तो मैच हो जाएगा क्योंकि ये तो सबसे मैच होता है, तो वो सबसे पहले वाले को डिलीट मार के बस वहीं से वापस आ जाएगा, बोलेगा हो गया, ठीक है। डिलीट वन हमेशा एक डॉक्यूमेंट डिलीट करेगा, एक से ज़्यादा कभी भी नहीं करेगा ये। तो मैं उसको ज़रा ऐसा क्राइटेरिया देता हूँ ना कि सिर्फ मेरे टू डू से मैच हो, तो ये ऊपर से शुरू करेगा, सर्च करता 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 आएगा, जो जहाँ मैच होगा ना मेरे क्राइटेरिया पर उधर ही डिलीट करेगा, बाकियों को छोड़ के वापस आ जाएगा। मैंने एक अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सॉरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी थोड़ी है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स है ना, डॉट ID, सही है। ऐसे करके जो मैं बात लिखता हूँ उसको मैं कैसे पकड़ता हूँ, पैराम्स में पकड़ता हूँ, सही है। अच्छा, इसको हम कहते हैं, इसका प्रॉपर नाम है URL पैरामीटर। ये हम जब REST API के 5 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे पिछले दिनों, तो उसमें ये हमने डिस्कस किया था कि भाई सिंगल टू डू जब डिलीट करेंगे तो ID होगी उसके साथ, सही है। सिंगल टू डू गेट भी करेंगे तो ID से गेट करेंगे हम, तो ये ID मैं इस तरह URL में दूंगा, मैं बोलूँगा टू डू स्लैश और जो भी उसकी ID है, लंबी है छोटी है जितनी भी है, 3-4 डिजिट की भी हो सकती है, और अंडरस्कोर ID फिलहाल मेरे पास है तो मैं उसी को ID के तौर पर ट्रीट कर लेता हूँ। तो मैंने बता दिया कि भाई URL में मुझे वो चाहिए, सही है, और जो भी बात मुझे URL में मिली है उसको मैं यहाँ रखवा दूँगा, और डिलीट वन का मैंने डेटा कॉल कर दिया। तो अब मैंने इसको क्या बोलना है मैसेज में कि टू डू हैज़ बिन डिलीटेड सक्सेसफुली, ऑल टू डू नहीं, जो जस्ट टू डू की बात हो रही थी वो टू डू डिलीट सक्सेसफुली, अदरवाइज सर्वर एरर, सही है। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें से एस हटा देते हैं, अभी तो कोई डेटा ही नहीं है, ये भी सही बात है, तो डेटा बना लेते हैं ज़रा। रिफ्रेश किया मैंने इसको, इसमें कुछ डेटा मैं बना लेता हूँ, और इसमें मैंने क्या किया, फिर एक बनाया डेटा RR, ये RR वाले को मैंने करना है डिलीट, सही है, जिसमें ये सिर्फ RR लिखा हुआ है ना इसको मैंने करना है डिलीट। कैसे डिलीट होगा, ये स्लैश करके मुझे इसकी ID देनी होगी। कैसे मुझे पता चलेगी इसकी ID,
वो जब गेट किया था तो आई थी ना आईडी, तो यहाँ होगी पड़ी भी, कंसोल पे गया मैं। जब यहाँ पे मैं इसको जब गेट करूँगा तो ये मेरे पास देखो मैं डेटा आ रहा है तो सारा खोल के देखा मैंने, इसमें से कौन सा वाला है, वो ये वाला है आर आर, आर आर की आईडी को मैंने ऐसा कॉपी कर लिया, सही है। अभी तो मैं फ्रंट एंड पे कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो भी अलग बात है, अभी तो मुझे एपीआई में वो हाथ से लिख रहा हूँ मैं, सही है। ये मैंने कैसे करके लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया लोकल होस्ट 3000/todo/id, तो इस आईडी वाले todo को ही वो डिलीट करेगा, किसी और को डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। अभी बॉडी में, बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं है ना, मतलब बॉडी पढ़ी भी है लिखी भी है तो खैर है, लेकिन बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जब मैं ये लिख के सेंड का बटन दबाऊंगा तो क्या हो जाना चाहिए, ये सिर्फ ये आर आर वाला डिलीट हो जाना चाहिए। तो मैंने ये सेंड का बटन दबाया और लिखा हुआ गया कि todo हैज़ बिन डिलीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे जाके जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये आर वाला गायब हो गया, सही है। यहाँ पे भी आके जब मैं क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये तमाम के तमाम todo शो हो गए, लेकिन वो आर वाला नहीं है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने कोई और भी डिलीट करवाना है इसमें से, मैं एक और यहाँ पे से ऐड कर लेता हूँ कुछ, मैंने कहा टी 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 लिख के ना ऐड किया दो बार, फिर मैंने आर आर लिख के दोबारा कर दिया, तो मुझे ये लास्ट वाला करवाना है जिसमें टी और आर दोनों लिखा हुआ, इसको मुझे डिलीट करवाना है, ठीक है। मैं यहाँ से भी क्या कॉपी कर सकता हूँ, डेटाबेस में भी मुझे ये नज़र आएगा, अभी मैं रिफ्रेश करूँगा देखो यहाँ भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। देखो ये नज़र आ रहा है मुझे, मैं इसकी आईडी यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, क्या हुआ ये, इसको इसको कॉपी कैसे करूँगा मैं, अच्छा राइट क्लिक करके होगा शायद ये, अच्छा ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे वाला ये रहा, इसको मैंने कर लिया कॉपी यहाँ से, सही है। ऐसे डबल क्लिक मारा इसके ऊपर मैंने, ये सेलेक्ट हो गया और कंट्रोल सी से इसको मैंने कॉपी कर लिया। आ जाते हैं यहाँ पे अब थंडर पर, थंडर में मैंने इसकी आईडी लगा दी इधर और सेंड का बटन दबा दिया, todo डिलीट हो गया। देखो यहाँ से टी और आर वाला दोनों जो था वो गायब हो गया। अब इमेजिन करो मैं कोई ऐसी आईडी देता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि अब ये वाली आईडी जो अभी अभी मैंने दी थी उसके नाम का todo तो डिलीट हो चुका है, इसका मतलब इस नाम की आईडी एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं दोबारा सेंड का बटन दबाऊंगा तो भी क्या लिखा हुआ है, todo हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई आपके नाम का जो है ना todo फाइंड नहीं हुआ है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे सर्वर का जो कोड है ना उसमें वापस जाना होगा और यहाँ पर जो डेटा आता है ना, इस डेटा के अंदर ये बता रहा होता है, डिलीट वन के अंदर ये जो डेटा आता है, इस डेटा के अंदर ये मुझे बताता है कि आपने जो क्वेरी दी थी मुझे उस क्वेरी से आया कि कुछ डिलीट हुआ भी है कि नहीं हुआ, सही है। ये मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो इस डेटा को मैं क्या करवा लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ console.log, ठीक है। डिलीटेड करके मैंने इस डेटा को प्रिंट, बल्कि इसको डेटा नहीं, इसको मैं डिलीटेड डेटा बोल देता हूँ, सही है, डिलीटेड डेटा। असल में ये कितनी चीज़ें डिलीट हुई हैं, कहाँ कहाँ से डिलीट हुई हैं, वो सारी डिटेल इसमें लिखी भी होती है जब ये वापस आता है। और मैंने इसको जो है वो कंसोल पे प्रिंट करवा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रैंडमली क्या करता हूँ, किसी एक का यहाँ से वो उठाता हूँ आईडी, सही है। मैंने इस वाले की आईडी उठा ली जो सबसे फर्स्ट था, सही है, जो सबसे फर्स्ट वाला था इसकी आईडी उठा ली। अभी ये एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर जब मैं लिखूँगा इसको और अब जब मैं हिट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, सही है। देखो डिलीट हो गया, अब डिलीटेड में प्रिंट क्या हुआ, एक्नॉलेज ट्रू डिलीटेड काउंट वन, यानी कि एक डॉक्यूमेंट इसने डिलीट किया है, सही हो गया। अच्छा अब जब मैं दोबारा इसी रिक्वेस्ट को दूंगा तो इसका मतलब है ये आईडी जो थी वो तो डिलीट हो चुकी है पहले ही, अब दोबारा इसी पे अगर हिट करता हूँ मैं तो क्या लिखा हुआ रहा है, डिलीटेड काउंट जीरो। तो मुझे जीरो और वन पे कंडीशनल, अब जितनी बार भी मैं लिखूंगा ना ये देखो, मैं जितनी बार भी दूंगा ये जीरो जीरो ही आएगा, क्योंकि इस आईडी से कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो बता रहा है कि भाई ये मैं गया था इस आईडी से, तमाम को मैंने ढूंढा, मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ डिलीट नहीं हुआ एवरी टाइम। तो इस जीरो और वन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग को चेक करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली यूज़र को बताना पड़ेगा कि भाई आपका जो है वो डेटा डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई नॉट एरर अगर है ना तो नॉट एरर में एक एफ और लगाओ, एक एफ और क्या लगाओ कि भाई डिलीटेड डेटा डॉट डिलीटेड काउंट, ठीक है। अगर
नॉट इक्वल टू जीरो है अगर, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कुछ डिलीट हुआ है, वन है या टू है या थ्री है, तो आप बोलो ये, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो तो बोले टू डू हैज बिन डिलीटेड सक्सेसफुली। एल्स में क्या लगाया मैंने, मैंने एल्स में बोला कि भाई एल्स में ना बात यही होगी पूरी, लेकिन मैसेज अलग होगा थोड़ा, ठीक है, नो टू डू फाउंड, सही है, नो टू डू फाउंड विद दिस आईडी, और मैंने यहाँ पे प्लस लगा के ना वो आईडी भी मेंशन कर दी कि भाई ये जो आपने आईडी भेजी थी ना, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, ठीक है, मैंने कहा ये जो आप आईडी भेज रहे हो ना, इस आईडी से कुछ भी नहीं है डेटाबेस में। अब देखो मैं इस आईडी भेजूंगा ना, मुझे डिफरेंट आंसर देगा, देखो नो टू डू फाउंड विद दिस आईडी, जब मैं सही आईडी दूंगा जिस जो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो फिर मुझे सही लेकर आ जाएगा ये। मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके मैंने एक रैंडमली एक आईडी उठाई यहाँ से, कॉपी किया उसको, कॉपी करके मैं इधर थंडर पे आके लिखता हूँ, पेस्ट, सेंड का बटन दबाया तो डिलीटेड सक्सेसफुली, दोबारा करूँगा तो नो टू डू फाउंड लिखा हुआ गया, टू डू की स्पेलिंग मैंने गलत की है, इसको ज़रा सही कर देता हूँ, नॉट टू डू, जी दोस्त अभी भेज देता हूँ, ठीक है, नो टू डू फाउंड विद दिस आईडी, ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो गया क्लास का ना, और नमाज़ का भी टाइम हो गया, तो मेरे ख्याल है वापस आने के बाद तो टाइम नहीं होगा, 10 मिनट है हमारे पास, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगली क्लास में हमने जो करना है ना, वो ज़रा हम पहले से ही सेट कर लेते हैं, माइलस्टोन क्या करना है, इसके जो क्रड को कम्प्लीट करना है। आज हमने डिलीट सीखा है, डिलीट वन और डिलीट ऑल की API हमने लिखी है, इसको फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट नहीं किया है हमने। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हमने इसको इंटीग्रेट करना है फ्रंट एंड में, एक API और होगी एडिट की, ये अपडेट जो भी बोल रहे हैं उसको, उसकी API बनेगी, तो ये चारों क्रड हो जाएगा कंप्लीट। ये चारों क्रड कंप्लीट होने के बाद इसको पूरे को मैंने उठा के किधर भेजना है, क्लाउड पे भेजना है, सही है। पहले भी हम क्लाउड पे भेजते रहे, लेकिन क्लाउड पे भेजते वक्त मुझे एक दो चीज़ें बतानी है, जैसे कि अभी जब आप करते होंगे ना इसको अपलोड, तो आपको ये वाला URL बार बार हाथ से चेंज करना पड़ता होगा, है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक ऐसा इफ लगा दूंगा मैं, एक इफ की कंडीशन कि आप दोनों URL दे देंगे, और वो स्मार्टली क्या करेगा, दोनों में से चूज करेगा। अगर वो लोकल होस्ट पे चल रहा होगा तो वो लोकल URL पे रिक्वेस्ट भेजेगा, क्लाउड पे जाने के बाद वो क्लाउड पे भेजना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपसे ये उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये बना लिया था पहले ही, वो ज़रा देख लीजिएगा दोबारा अपनी एप्लीकेशन को, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके, अगर आज की क्लास में जो भी आपने बात पढ़ी है तो वो इम्प्रूवमेंट उसमें आप कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाए जो आज हमने बातें पढ़ी हैं। MongoDB कंपास आप सब लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, घर पे भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, और MongoDB कंपास को इस्तेमाल करने की आदत डालिएगा थोड़ी, ठीक है जी। चलें, अब नमाज पढ़ने चलेंगे आप सब।